नहीं पढ़ाई जाती अच्छे से सर, हमें ये सब चीज़ें नहीं बताई जाती हैं। और इस देश में आज अगर नेशनलिज्म कमज़ोर है या किसी भी चीज़ लोगों में समझदारी कमज़ोर है, साइंस सर चीज़ों को कैलकुलेट करना सिखाता है, ह्यूमैनिटीज कनेक्ट करना सिखाती है सर, सोचना सिखाती है। ह्यूमैनिटीज पढ़ना बहुत ज़रूरी है सर। अब इस देश में जो यूनिवर्सिटियाँ चलती हैं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चलती है और फेसबुक यूनिवर्सिटी चलती है, मैं तो फेसबुक पे कमेंट्स डालता था पहले, बड़े शुरुआत में जब फेसबुक पर मैं आया तो मैंने बड़े, मुझे लगता था मैं थोड़ा सा यार रैशनल टाइप का आदमी हूँ तो थोड़ा अच्छा लिखूंगा तो मुझे लोग सपोर्ट करेंगे। तो अगर मैं कुछ लिखता था कि यार मंदिर की जगह हॉस्पिटल बना लो तो तुरंत हिंदू कूद जाते थे और बदतमीज के नालायक बहुत मार मारेंगे तुमको, अपने घर को बनवाते हॉस्पिटल। मुझे लगता था कि यार ये तो गलत बोल गए। फिर मैं मुसलमानों से कहता था कि यार देखो तुम लोग, मैं तुम्हारी कम्युनिटी में गरीबी ज़्यादा है, तुम ऐसा करो मस्जिद की डिमांड छोड़ दो। वो तो कहता इंशाल्लाह नारे तकबीर हम तो सब साहब लेके रहेंगे और तुम तो आरएसएस के आदमी हो। तो धीरे धीरे मुझे पता चलना शुरू हुआ कि नहीं नहीं भैया इनसे मत मत बोलो कुछ, ये तो साहब खा जाएंगे आपको। तो हिंदुओं के पक्ष में बोलो तो हिंदू आपसे खुश, मुसलमानों के पक्ष में बोलो तो मुसलमान आपसे खुश। क्लास में तो साहब बड़ी दिक्कत होती है इन सब मामलों को लेकर, हिस्ट्री पढ़ाना होता है और कभी कभी लोग बड़े नाराज हो जाते हैं। और मेरी क्लास में तो पूरी क्लास, हालांकि पूरे साल तक लोग यही पता करते रहते हैं कि मुस्लिम लीग का है कि तंजीम का है कि आरएसएस का है, उसी में क्लास ख़त्म हो जाती है। पढ़ाता तो मैं कुछ हूँ नहीं साहब, कहानी वहानी सुनाता रहता हूँ लोगों को। और बड़े मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ अपने उन मित्रों का, स्टूडेंट तो मेरे हैं नहीं दुनिया में, मैं सबको मित्र ही मानता हूँ अपना, कि वो मेरी कहानियाँ बड़े प्यार से सुनते हैं। हमसे पढ़ रहे हो ना, जातिवाद मत करना, संप्रदायवाद छोड़ दो, देश की चिंता करो और अपनी। मुझे क्या पता उस तरफ कौन बैठ के पढ़ रहा है, पर भगवान ने मुझे एक आशीर्वाद दिया है, मैं उसको बांट रहा हूं। मेरा सर इस्लाम से कोई झगड़ा नहीं, हिंदुइज्म से कोई झगड़ा नहीं, सारे धर्मों को मैं, मेरा कोई स्टूडेंट मुझसे ये नहीं कह सकता कि मैंने कभी किसी धर्म को कहा। मुझे मुसलमानों पे बड़ी गुस्सा आती है सर जब वो उल्टी सीधी बातें करते हैं। हिंदुओं को मैं क्या कहूँ सर, मैं उनसे कुछ बोलता हूँ तो वो मुझसे कहते हैं यार तुम जो है हमेशा मुसलमानों का पक्ष लेते हो। सर मैं किसी का पक्ष वक्ष कभी नहीं लेता। जय हिंद।